महेंद्रगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी राजदान सिंह का चुनाव प्रचार तेज है। इसी बीच उन्होंने देर रात कई गांवों का दौरा किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी नजर आई है। राजदान सिंह ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने अंग्रेजों की नीति डिवाइड एंड रूल का काम किया है। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी ने 10 साल में जाति धर्म के नाम पर लड़वाने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी का ये तीसरा अवसर है जब वो चुनाव में स्पष्ट तौर पर बहुमत लेने के टारगेट को लेकर के चली। पहली बार बहुमत मिला, दूसरी बार समर्थन से सरकार चलाई और तीसरी बार उन्होंने अपनी दोबारा से तीसरी बार से अपनी किस्मत बनाने के लिए प्रयोग किया। इससे पहले जब भी कभी उनकी सरकार आई तो समर्थन से सरकार के हिस्से रहे। लोगों के दिल और दिमाग में ये बात थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों का ज्यादा ध्यान करती, व्यापारियों की पार्टी। लेकिन इन 10 सालों के अंदर छोटी बड़ी डबल इंजन की सरकारों ने न कर्मचारी को बख्शा, न व्यापारी को बख्शा, न किसान को बख्शा, न जवान को बख्शा। एक ही नीति से काम किया कि जाति से जाति के, धर्म से धर्म से संप्रदाय को लड़ाओ और अंग्रेजों की नीति अपनाते हुए बांटो और राज करो के हालात के अंदर काम किया। धर्म के अंदर जब मंदिर मस्जिद की बात लेकर के चलते, जब भी कोई जबरदस्त इश्यू आता है तो हिंदू और मुसलमान की बात लेके उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। अब ये चुनाव एक निर्णायक दौर में, पिछले चुनाव में पार्लियामेंट में 400 का नारा दिया और उसके बाद आप सब मतदाताओं ने उस पर ध्यान दिया कि इनके पीछे इरादा क्या है। और भाई खास तौर पे मैं SC भाइयों को कहना चाहता हूं जिन्होंने अभूतपूर्व भूमिका निभाई कश्मीर से कन्याकुमारी तक और 400 के नारे को 240 पे ले जाकर टिका दिया। ये उनका एक बहुत बड़ा प्रयास। आज फिर आपको उस पर विचार करना है।